हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव बड़ा ही दिलचस्प रहा। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा और बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार ने जीत का स्वाद चखा। हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को हुए मतदान में कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने हरियाणा से राज्यसभा की दो सीटें जीत ली। कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी और जेजेपी का समर्थन प्राप्त था। दो राज्यसभा सीटों के लिए शुक्रवार सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही दिन भर हाई ड्रामा देखने को मिला। हालांकि मतगणना निर्धारित समय से 7.5 घंटे बाद आधी रात से शुरू हुई और देर रात करीब 2:30 बजे नतीजे घोषित हुए। दो राज्यसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को देर रात निर्वाचित घोषित किया गया, जहां बीजेपी को मिले 3600 वोटों के मूल्यांकन से पंवार ने एक सीट जीती। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने 2966 वोट वैल्यू के साथ दूसरी सीट प्राप्त की। कांग्रेस के वोटों का मूल्यांकन 2900 आंका गया। कांग्रेस के एक वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया, जबकि कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कार्तिकेय शर्मा के लिए क्रॉस वोट किया था। जीत का कैलकुलेशन क्या रहा वो आपको बता देते हैं। विधायकों का एक वोट 100 के बराबर, कांग्रेस की एक वोट हुई कैंसिल। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने वोट किसी भी प्रत्याशी को दिया ही नहीं। 88 वोट बचे, 8800/3, 2934 ये जीत के लिए प्रत्याशी को चाहिए था। कृष्णलाल पंवार के 66 वोट बचे जो कार्तिकेय शर्मा को ट्रांसफर हुए। कार्तिकेय शर्मा को 66/2900 यानी कि 2966 वोट मिले। कांग्रेस के अजय माकन को 2900 वोट मिले। इस आधार पर कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई। नतीजे घोषित होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और बीजेपी जेजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को मिठाई खिलाकर उनकी जीत के लिए बधाई दी। देखिए, बहुत खुला वोट दिया उन्होंने और अपने अंतरात्मा की आवाज से दिया, उन्होंने कुछ छुपा के नहीं दिया। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उनकी जरूर आस्था मोदी जी के केंद्र की सरकार के जो नीतियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, जो हमारी विचारधारा है, उससे प्रभावित होकर के ही किया होगा। उन्होंने इस बात की भी चिंता नहीं की कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ क्या करेगी, लेकिन यही होता है कि राष्ट्रीय विचार के साथ जुड़ने का एक अवसर अपनी अंतरात्मा के हिसाब से उन्होंने वोट दिया। उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के दो विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा पर नियमों के विरुद्ध अपना मार्ग बैलेट पत्र यानी डाले गए वोट को अपने अधिकृत एजेंट की बजाय अन्यों को दिखाए जाने का आरोप लगा। वोटिंग प्रक्रिया के दौरान चुनाव करवाने की जिम्मेदारी संभाले रखे रिटर्निंग ऑफिसर आर के नांदल पर बीजेपी जेजेपी के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने पक्षपातपूर्ण काम करने का आरोप लगाया। कार्तिकेय ने अपने वकील अमित सहानी के जरिए चुनाव आयोग के समक्ष अपनी शिकायत भी दाखिल की। इस मामले में कांग्रेस बीजेपी अपनी अपनी मांगों को लेकर चुनाव आयोग पहुंचे। इस विवाद के चलते हरियाणा राज्यसभा चुनावों की काउंटिंग घंटों तक रुकी रही। हालांकि देर रात काउंटिंग शुरू हुई और करीब 2:30 बजे नतीजे घोषित किए गए। नतीजे घोषित होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने दोनों उम्मीदवारों को मिठाई खिलाकर बधाई दी, तो वहीं कुलदीप बिश्नोई के बारे में कहा कि उन्होंने अपने अंतर्मन की आवाज सुनी। खेलों की दुनिया में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा लगातार बना हुआ है। खेलो इंडिया 2021 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने मेडल्स की झड़ी लगा दी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेडल तालिका में अभी तक हरियाणा का दबदबा बरकरार है। हरियाणा अभी भी सभी राज्यों को पछाड़कर पहले नंबर पर है। हरियाणा ने खेलो इंडिया के 7वें दिन पदकों का शतक लगा दिया। हरियाणा ने 15 अलग अलग खेलों में कुल 102 पदक जीते हैं, जिनमें से 36 गोल्ड, 29 रजत और 36 कांस्य पदक के साथ ही हरियाणा पहले नंबर पर बरकरार है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने इन प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। वहीं इस बार की प्रतियोगिताओं में हरियाणा की छोरियां भी धाकड़ खेली हैं।
बैडमिंटन में उन्ती हुड्डा ने गोल्ड मेडल जीता। हरियाणा की लड़कियों ने हॉकी के फाइनल मुकाबले में उड़ीसा की टीम को 4-1 से हरा दिया। हरियाणा के बाद पदक तालिका में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। महाराष्ट्र के कुल 86 पदक हैं, इनमें 33 गोल्ड है, 28 रजत और 25 कांस्य पदक है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, कर्नाटक के 16 गोल्ड, 12 रजत और 15 कांस्य पदक है। चौथे नंबर पर मणिपुर है, पांचवें पर तमिलनाडु। मणिपुर के 13 गोल्ड, 3 रजत और 4 कांस्य पदक है। वहीं तमिलनाडु ने 11 गोल्ड, 12 रजत और 14 कांस्य पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में देश भर के लगभग 85 खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ हिस्सा ले रहे हैं। देश भर के खिलाड़ी इन खेलों में 545 स्वर्ण, 545 रजत और 776 कांस्य, कुल मिलाकर 1866 पदकों के लिए दमखम दिखा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में इस बार 5 नए खेल भी शामिल किए गए, जिनमें पंजाब का गतका, मणिपुर का थागटा, केरल का केलरीपायटू, महाराष्ट्र का मलखांब शामिल है। इसके अलावा योगासन को भी इस बार जगह दी गई। हरियाणा के खिलाड़ियों की दमदार जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी। इसके अलावा सीएम और राज्य खेल मंत्री संदीप सिंह समय समय पर पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। खेलो इंडिया में हरियाणा के अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के बाद उम्मीद यही है कि क्या राष्ट्रीय और क्या अंतर्राष्ट्रीय हरियाणा के खिलाड़ी हर कहीं परचम लहराएंगे। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राम भतेरी का निकाय चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। उनके चुनाव प्रचार की कमान अब कांग्रेस नेताओं ने संभाल ली है। ये चुनावी अभियान निकाय चुनाव के मैदान में उतरी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राम भतेरी रवि खत्री का है। पिछले कुछ दिनों में बहादुरगढ़ के चौक चौराहों को लेकर हर जगह राम भतेरी का चुनाव अभियान चल रहा है। जनता राम भतेरी को भरपूर प्यार लुटा रही है, राम भतेरी पर पूरा विश्वास दिखा रही है। यही वजह है कि जनता ने निकाय चुनाव से पहले ही राम भतेरी के सामने समस्याएं रखना शुरू कर दिया है। राम भतेरी का चुनावी अभियान तो जोर शोर के साथ चल रहा है। कांग्रेस नेताओं ने भी चुनाव अभियान को धार देने के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश जून भी राम भतेरी के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। हुड्डा साहब ने फैसला कर दिया, कांग्रेस की तरफ से हुड्डा साहब की तरफ से रवि खत्री की धर्मपत्नी को यहाँ से लड़ाया जा रहा है, और हमारे सभी जो अपने अलग अलग आजाद उम्मीदवार थे उन सभी ने भाइयों ने समर्थन दे दिया है। और अलग अलग टीम बनाने में हमें तो 3 दिन का समय लग गया। अब 2 दिन से हमारी पूरे कांग्रेसी तन मन धन से दल बल से अपना बहादुरगढ़ शहर में उतर चुके हैं, अपने अलग अलग एरिया बांट लिए हैं। तो अब हमें पूर्ण आशा के साथ हमें कह सकते हैं कि इस बहादुरगढ़ शहर में आने वाला चेयरमैन रवि खत्री भाई इनकी धर्मपत्नी की 100% होगी। राम भतेरी रवि खत्री भी जन समर्थन हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। राम भतेरी ने साफ कर दिया है, चुनाव जीतते ही जनता को सहूलियत की पहली प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा स्वास्थ्य के बाद राम भतेरी ने चुनाव जीतते ही लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन हेल्प डेस्क बनाने का ऐलान किया। आज का हमारा मुद्दा ये है कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनके लिए हम एक हेल्प डेस्क बनाए देंगे, जिसके लिए लोगों को घर बैठे ही समाधान हो जाएगा उनकी मुसीबतों का, समस्याओं का, उनको इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे जी। लोगों का समर्थन तो बहुत अच्छा मिल रहा है। बहादुरगढ़ नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रवि खत्री भी पत्नी के चुनावी मैदान में घर घर जाकर खूब पसीना बहा रहे हैं। रवि खत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधने के साथ राम भतेरी के चुनाव जीतते ही बढ़ते क्राइम पर रोक लगाने के लिए युवाओं के भविष्य के लिए उचित कदम उठाने की बात कही। ऐसी सरकार है जिसने लोगों को बहुत ही निराशा दी है, झूठे वादे किए हैं, अब लोगों को पता चल गया जुमले की सरकार है। और अगर लोगों का हित में है तो कांग्रेस सरकार में है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में है, और ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव है और उनके आशीर्वाद से हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए लोगों का भारी हजूम है। हमारा सबसे पहला काम होगा शहर में जो क्राइम इतना बढ़ रहा है, CCTV लगाएंगे चारों तरफ चौराहों पर, उसके लिए हम सभी कॉलोनियों में लाइब्रेरी खुलवाएंगे जिससे आगे रोजगार के बड़े बच्चों के कंपटीशन की तैयारी हो। हम यूथ के लिए ये बहादुरगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए सभी उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। चुनाव से पहले जनता राम भतेरी पर पूरा विश्वास दिखा रही है। देखना यही होगा कि चुनाव से पहले ही जिस तरह से राम भतेरी को समर्थन मिल रहा है, वैसे ही जन समर्थन चुनाव में भी राम भतेरी को मिलेगा या नहीं, इसका जवाब 22 जून को सबके सामने होगा।
राम भतेरी को जनता का पूरा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं राम भतेरी जहां भी जा रही हैं, लोग उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवा रहे हैं और उन पर पूरा विश्वास दिखा रहे हैं। महेंद्रगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नकली क्राइम कंट्रोल विभाग के कर्मचारी बनकर पैसे वसूलने वाले गिरोह के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पैसे के लालच में इन दिनों बदमाश नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। महेंद्रगढ़ का ये ताजा मामला है, जहां नकली क्राइम कंट्रोल विभाग के कर्मचारी बनकर लोगों से पैसे वसूलने का काम हो रहा था। इस गिरोह की शातिर चाल पुलिस के समझ आ गई। पैसे वसूलने वाले गिरोह के सरगना समेत 6 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। 30 जुलाई को महेंद्रगढ़ में होटल कारोबारी के साथ FIR का डर दिखाकर वसूली को अंजाम दिया जा रहा था। क्राइम ब्रांच के नकली कर्मचारी बनकर आए आरोपी ने होटल संचालक से 50,000 रुपए की मांग की। इतने पैसे होटल संचालक के पास नहीं थे। आरोपी होटल संचालक के पास से 30,000 का कैश ले गए। शिकायतकर्ता ने 6 जून को पुलिस को शिकायत दी। SP के निर्देश पर टीम का गठन हुआ। पुलिस ने एक्शन किया, आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे रैकेट का खुलासा हो गया। 6 जून 2022 को सिटी थाना महेंद्रगढ़ में 185 नंबर FIR चीटिंग एवं एक्सटॉर्शन की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज हुई है। यह धारा एक होटल ओनर की शिकायत में दर्ज हुई थी, जिसमें विदित हुआ था कि कुछ लोग फेक क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन आदि बना के लोगों से, होटल ओनर से एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। ये इस बिना पर कि वो पुलिस की मदद कर रहे हैं, अलग अलग होटल से उन्होंने कुछ पैसे लिए। तो हमने यह विदित होने के बाद में SP साहब के मार्गदर्शन में जो मुलजिम हैं उनके ठिकानों पर रेड मारी और 6 जून और 7 जून को 6 मुलजिम अब तक इस वारदात में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनसे 3 गाड़ियां बरामद की गई हैं। उनसे जाली ID कार्ड, सर्टिफिकेट आदि बरामद हुए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह का सरगना करमवीर उर्फ कालू है, जिसने फर्जी आई कार्ड उपलब्ध करवाए थे। इसमें कौन कौन शामिल है, इसकी जांच जारी है। बट महेंद्रगढ़ के कुछ होटलों का नाम इसमें आ चुका है और बाकी इन्होंने और कहां कहां अलग अलग महेंद्रगढ़ के आसपास जिलों में कहां कहां ऐसे कार्य किए हैं, उनकी भी जांच अभी की जा रही है। इसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया? हाँ, इसका मास्टरमाइंड या इनका टीम लीडर लगा लीजिए, वो अभी हमने उसको गिरफ्तार पहले 6 जून को ही कर लिया था और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस रिमांड पर सभी आरोपी हैं, उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि उन्होंने और किस किस को अपनी टीम में जोड़ा है और बाकी सब लोग उनके साथी हैं वो कहाँ हैं। तो मुकदमा गहनता से अनुसंधान नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में पूछताछ के दौरान और भी खुलासे होने की उम्मीद है। सोनीपत में एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद देखने को मिले, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक स्टोर संचालक पर गोली चला दी। पूरी वारदात वहां पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। सोनीपत में भी अब बदमाश बेखौफ होते नजर आ रहे हैं, ना तो पुलिस का खौफ ना कानून का डर। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ये बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देने मेडिकल स्टोर पहुंचे। तस्वीरें सोनीपत के रठधाना रोड पर स्थित गुड लक मेडिकल स्टोर की आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक नकाबपोश बदमाश स्टोर में कई बार आता है और वहां से निकल जाता है। दरअसल ये बदमाश मौका तलाश रहा था कि स्टोर संचालक निशाना बनाया जाए। अब आसपास कोई नहीं होता तो आखिरकार बदमाश अपनी जेब से एक देसी पिस्तौल निकालता है और स्टोर संचालक प्रवेश पर गोली चलाने का प्रयास करता है, लेकिन देसी पिस्तौल में गोली अटक जाती है। उसके बाद एक बार फिर बदमाश पिस्तौल रिलोडेड करता है और स्टोर संचालक पर गोली चलाता है, जिसके बाद वो मौके से भाग निकलता है। गनीमत ये रही कि गोली मेडिकल स्टोर संचालक प्रवेश को नहीं लगी, वो बाल बाल बच गया। बदमाश की पूरी करतूत मेडिकल स्टोर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो जाती है। मुझे नहीं पता कि कौन था, अनजान था। पहले एक बार आया, उस टाइम मेरी दुकान पर कस्टमर थे और मेरा लड़का काम कर रहा था मेरे साथ। तो उसने आगे मेरे से कहा कि भैया दवाई दे दीजिए, छाती में जलन है। मैं पीछे था, फोन पे अटेंड कर रहा था, तो मैंने उसे कहा 1 मिनट का टाइम दे भाई, आ रहा हूँ मैं अभी। फिर वो बाहर चला गया, फिर 10 सेकंड के बाद फिर वो दोबारा अंदर आया। उसने लड़के से दवाई नहीं मांगी, वो मुझे ही चाह रहा था कि मैं आगे आ जाऊँ। फिर दोबारा उसने मेरी तरफ देखा, मैं कहा भाई 1 मिनट और दे दे, मैं आ रहा हूँ। तब तक कस्टमर निबट चुके थे, चले गए और मेरा लड़का उसी टाइम बाथरूम करने के लिए चला गया। जैसे ही फिर उसे लगा वो देख रहा होगा बाहर खड़ा होकर, फिर वो लगभग 30 सेकंड के बाद फिर आया वो अंदर।
और फिर उसने कहा कि दवाई दे दो। मैं जैसे ही पीछे से दो कदम आगे की तरफ चला, उसने मेरी तरफ फायर कर दिया, लेकिन फायर उसका नहीं हो पाया। फिर उसने उसे रीलोड करने की कोशिश करी और फिर वो गोली चली और वो उसके पैरों की तरफ ही नीचे पेटी के अंदर चली। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया। मेडिकल स्टोर संचालक प्रवेश की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची, शिकायत दर्ज कर अज्ञात बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। कल हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता प्रवेश शर्मा है, उसने शिकायत दी कि परसों रात को कोई मेरे स्टोर पर करीबन रात 9:30 बजे कोई अननोन पर्सन आया, जिसने एक दूसरे से फायरिंग करके मौके से फरार हो गया। तो उस बारे शिकायत प्राप्त होने पर मुकदमा कर लिया गया। सर, कोई फिरौती का भी मामला सामने आया है इसमें? अभी तक शिकायत में और इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने नहीं आई है। मुकदमा दर्ज कर दिया सर? मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सोनीपत पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है, वहीं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाश की पहचान की जा रही है। देखना अब यही होगा कि पुलिस गिरफ्त में बदमाश कब तक होता है। मोहाली में चेन स्नैचिंग की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर चेन स्नैचर्स की ओर से महिला को निशाना बनाया गया और उसके गले से चेन छीन ली गई। मोहाली में लूट चोरी की वारदातें अब आम हो गई। मोहाली के खरड़ में आए दिन स्नैचिंग की वारदातें सामने आ रही हैं। बाइक सवार स्नैचर घरों में और घरों के बाहर बैठी महिलाओं युवतियों को निशाना बना रहे हैं। स्नैचर बड़ी आसानी से स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं, किसी को भनक तक नहीं लगती। एक बार फिर स्नैचर्स ने एक साथ दो वारदातों को अंजाम दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहले ये स्नैचर घर में बैठी महिला को अपना निशाना बनाते हैं। तस्वीरें मोहाली के मुंडी खरड़ के LIC कॉलोनी की है। बाइक सवार दो स्नैचर्स मौके पर पहुंचते हैं। एक बाइक से उतरकर घर में बैठी महिला से पता पूछने के बहाने घर में घुसता है। जैसे ही महिला रास्ता बताने के लिए बाहर निकलती है, तभी स्नैचर महिला के गले से चैन छीनकर महिला को धक्का देकर बाइक पर फरार हो जाते हैं। स्नैचर्स यहीं नहीं रुके, एक और वारदात को फिर अंजाम दिया। एक महिला घर के बाहर अपने बच्चे के साथ घूम रही थी, पीछे बैठा स्नैचर बाइक से उतरता है, महिला के गले से चैन छीनकर दोनों भाग निकलते हैं। इन वारदातों से साफ है घरों में भी महिलाएं और युवतियां सुरक्षित नहीं हैं। प्रशासन अभी भी आंख मूंदे बैठा है। लगातार प्रशासन की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि चेन स्नैचिंग की वारदातों पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन देखना होगा कि ये कब तक सच हो पाता है। बहादुरगढ़ में फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पंजाब रोडवेज की बस से एक तेज रफ्तार कार टकरा गई, जिससे उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। तेज रफ्तार ने कई लोगों की जिंदगियां निकल ली, लेकिन लोगों की लापरवाही है कि थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर बहादुरगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार पंजाब रोडवेज की बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे तक उड़ गए और देखने वालों की चीखें निकल गई। हादसे में कार सवार व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं पंजाब रोडवेज की बस के चालक और परिचालक को भी हल्की चोटें आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाड़ी अपनी स्विफ्ट डिजायर है जो बहादुरगढ़ से रोहतक की साइड जा रही थी, तो अपने रोड टोल के पास शायद नींद आने के कारण या किसी अन्य कारण ये एक्सीडेंट हुआ, जो गाड़ी कूद कर रॉन्ग साइड आ गई ऊपर से कूद के, और उसमें जो है बस चालक अपनी जो पंजाब रोडवेज की बस है उसके साथ उसकी आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें गाड़ी चालक है उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे नंबर 9 पर KMP फ्लाईओवर के पास हुआ। कार सवार प्रदीप बहादुरगढ़ से रोहतक की तरफ जा रहा था और इस दौरान अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया। वो नेशनल हाईवे के बीच में लगे ग्रिल को तोड़कर दूसरी तरफ से आ रही पंजाब रोडवेज की बस से टकरा गई। इस हादसे में प्रदीप की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं हादसे के बाद बस भी अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर तक चलती रही। गनीमत रही कि बस में सवार किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। बहादुरगढ़ ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज दिनेश की माने तो गाड़ी की गति बिल्कुल तेज थी, इसलिए ये हादसा हुआ। बस का नियंत्रण उधर कम से कम 50-100 मीटर बाद रुकी है। बस के सभी सवारियां, कंडक्टर, ड्राइवर सभी सेफ है। हल्की फुल्की इसके ड्राइवर की और कंडक्टर की चोट आई है, जो भी खास लगने के कारण, और जो मृतक है यह दिल्ली का द्वारका का रहने वाला बताया गया है। उनके रिलेटिव बहादुर थे, वो उनको आके यहाँ पे आइडेंटिफाई करवा दिया और डेड बॉडी के साथ इनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई।
आए दिन ऐसे हादसे सामने आने के बावजूद भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि आगे आने वाले समय में ऐसे हादसों से बचा जा सके। पानीपत के चांदनी बाग से जो मामला सामने आया है उसने एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद है जिसका ताजा उदाहरण यहां पर देखने को मिला है। पानीपत के चांदनी बाग थाना क्षेत्र में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवती ने आरोप लगाया है कि जगदीश नाम का पड़ोसी आते जाते उसके साथ छेड़छाड़ करता था। युवती ने आरोपी की हरकतों के बारे में जब अपनी मां को बताया तो आरोपियों ने मां समेत बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़ित मां और बेटी ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। पीड़ित मां और बेटी जब शिकायत देकर लौट रही थी तो घर आते ही कई बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पीड़ित युवती के हाथ और सिर पर गहरी चोट आई है जिसका उपचार पानीपत के सामान्य अस्पताल में चल रहा है। युवती ने आरोप लगाया है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और दुष्कर्म की कोशिश भी की गई। युवती ने आरोप लगाया है कि इस दौरान आरोपियों ने उन पर तलवारों और लोहे के रॉड से भी हमला किया। जगदीश नाम, हमारे सामने जगदीश नाम के आदमी का घर है, उसने वो मेरे साथ छेड़खानी करता था आते जाते। मैंने अपनी मम्मी को बोला, संडे वाले दिन मम्मी घर पे उलाना देने गई, मम्मी गई उलाना देने, मम्मी के साथ उन्हें मारपीट की। मैं मम्मी को छुड़वाने के लिए गई, जगदीश ने मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए, मेरे गलत जगत छुई। हाँ, हमने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट देने के बाद जी उसने हमारे घर पे, हम घर पे गए, रिपोर्ट देने के बाद उसने 5-6 बंदों के साथ और जगदीश और उसका बेटा राहुल के साथ पूरे फैमिली के साथ उसने हमारे ऊपर हमला किया तलवारों से। वही पीड़ित मां बेटी मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट करवाकर पुलिस को शिकायत दी लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मैं पकड़ ली, मेरे गले मारपीट करी, मेरी लड़की छटवान गई, अंजू नाम की लड़की मेरी बड़ी, उसके कपड़े पाड़ दिए, छोटे आड़ी के भी उसके घरवाली ने बुड़का बाडर क्या मुँह पाए दीपक को, और छटवाने के बाद मारपीट हो बाद यहाँ डॉक्टरी मेडिकल हो गया। हमारा इतनी खास चोट नहीं थी, जब जाने के बाद दरखास्त देने के बाद सारा कुछ हो लिया। फिर जगदीश ने 5-4 बंदे बैर के बुलाकर और घर के राहुल उसका बेटा नीलम उसके घर वाली जगदीश इन्होंने लेकर 5-4 बंदा को लेकर मेरे घर पर हमला कराया। सारे के गंडासी तलवार लोहे की नाड़ी मोटरसाइकिल की होती है वो, उन्होंने मारे खूब मारी पट्टी घर में करी, मर को कोई पता नहीं, मैंने पड़ोसी ठाठा का ले गई। वही पूरे मामले को लेकर एएसपी विजय कुमार ने कहा है कि पीड़ित पक्ष की शिकायत को लेकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की गहनता से और हर पहलू से जांच की जाएगी। कंप्लेंट प्राप्त हुई है, उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और जांच की जा रही है, जैसे फैक्ट आए उसी हिसाब से कार्रवाई में लगाया जाएगा। छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है, जो भी साक्ष्य फाइल पे आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसमें इन्वेस्टिगेशन में जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर एएसपी ने भरोसा दिलाया है कि जो भी आरोपी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। देखने वाली बात होगी जांच का दावा करने वाली पुलिस और निष्पक्ष जांच का दावा करने वाली पुलिस कब तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर पाती है।